आज कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित इस प्रेस वार्ता में एक महत्वपूर्ण बिंदु है और वो इस प्रकार है। बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान पर निर्णायक जीत हासिल करने के इस 50वीं सालगिरह के अवसर पर हमने स्वर्गीय इंदिरा जी के पुण्यतिथि से एक पूर्व सैनिकों के सम्मान स्वरूप अनेक जगहों पर समारोहों का आयोजन किया और उन समारोहों को हमने प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान समारोह का नाम दिया। उसके पीछे तात्पर्य यह था कि वो जो भारत में उस समय राजनीतिक इच्छा शक्ति और सैन्य ताकत का जो बहुत ही गजब एक संयोग उस समय था, उस संयोग को इस 50वीं वर्षगांठ पर नमन करने का समय था, उसको प्रणाम करने का समय था। हमने पूरे प्रदेश में प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान के तहत तमाम हमारे आदरणीय पूर्व सैनिक साथियों का सम्मान किया, शहीदों का सम्मान, शहीदों के परिवारजनों का सम्मान किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसी कड़ी में हम ये चाहते हैं कि उसके उस युद्ध के जो निर्णायक लड़ाई में भारत को विजय हासिल हुई और पाकिस्तान के 1 लाख से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक कर जो एग्रीमेंट उस दिन बना, वो 16 तारीख का दिन था, दिसंबर 16 तारीख का दिन था। हम अपनी इस सैनिक सम्मान समारोह की श्रृंखला को उस दिन पूर्ण करते हुए हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी उस दिन उत्तराखंड पर आ गए हैं 16 दिसंबर। यह प्रेस वार्ता उसी क्रम में आयोजित है और हमारे नेता राहुल गांधी जी की ये इच्छा है कि वे उस दिन उत्तराखंड आकर इस वीर भूमि को नमन करेंगे, यहाँ के वीर सैनिकों को नमन करेंगे और उस युद्ध में शामिल हुए तमाम हमारे सेनानियों को जो उस युद्ध में शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देंगे और आज जो हमारे बीच रहकर हमें दिशा दे रहे हैं उनको सम्मान देंगे। सैनिक सम्मान रैली के रूप में उसमें बड़ी संख्या में हमारे सैनिक भाई शामिल होंगे, कांग्रेसियन भी शामिल होंगे और चूंकि ओपन पब्लिक मीटिंग है तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग उसमें हाजिर होंगे। यह कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया जाएगा और मकसद उसका हमारे वीर जवानों को सम्मान देना, उस वार में उस लड़ाई में जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देना और इस मकसद से राहुल जी देहरादून आ रहे हैं। मैं ये जानकारी आप सब लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ और अभी 4 तारीख को एक जनसभा होने वाली, उसके आधार पर स्थान हम भी तय करेंगे। राहुल जी भी रैली में शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे, मतलब एक तरीके का रोड शो रैली होगी? रोड शो नहीं है, जनसभा है और जनसभा में श्रद्धा, मतलब सैनिकों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए और जो उस वार में शहीद हुए या तमाम देश की लड़ाई के लिए जो शहीद हुए हमारे वीर सैनिक उनको श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पर आ रहे हैं, उस दिन इस धरती को नमन करेंगे, उन शहीदों को नमन करेंगे।